मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे सब्जेक्ट जीके पिक्चर बुक, टुडेज टॉपिक 12 वाटर सोर्सेस एंड स्टोरेज। तो वाटर सोर्सेस एंड स्टोरेज मींस क्या होता है, वाटर कहाँ से आता है और वाटर का स्टोरेज कहाँ पे होता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वाटर सोर्सेस में क्या आता है। तो सबसे पहले तो रेन, क्या होता है बच्चों, रेन। ये कौन सा पिक्चर है, रेन। तो ये क्या है, वाटर सोर्सेस। फिर ये क्या है बच्चों, रिवर। क्या है, रिवर। रिवर तो आप सबने देखी होगी, रिवर यानी कि नदी। तो वो रेन आता है, उससे ही रिवर में पानी इकट्ठा होता है। क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। तो रिवर में हम स्टोरेज कर सकते हैं पानी का। फिर ये क्या है बच्चों, लेक। तो जो रेन आती है उससे पानी लेक में जाता है, तो लेक में भी पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर सी, क्या है, सी। सी में भी वो रेन होती है, उसका पानी जाता है सी में भी। तो ये सारे क्या थे, नेचुरल थे। क्या थे, नेचुरल। ए सी, ए लेक एंड ए रिवर और रेन, ये नेचुरल रिसोर्सेस थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या थे, मैन मेड। ए डैम, क्या है, डैम, जहाँ पे हम वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये मैन मेड है, ये हमने बनाया है। फिर वेल, जिसमें भी हम पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, मैन मेड है। फिर ये हैंड पंप, ये आप सबने देखा होगा हैंड पंप, वो भी मैन मेड है, इसमें से भी पानी आता है। तो ये सारे नेचुरल और मैन मेड स्टोरेज और वाटर सोर्सेस थे। तो चलो अब हम हमारी पिक्चर बुक में देख लेते हैं। चलो पिक्चर बुक निकालो, टॉपिक 12 वाटर सोर्सेस एंड स्टोरेज। फर्स्ट हैव टू राइट CW एंड टुडेज डेट मेंशन करनी है। दिस इज रेन, रेन इज अ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, इट फिल्स अप रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ओकेंस। दिस इज अ रिवर, इट इज अ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, water that flows across the surface of the land into the sea is called a river. This is a lake, it is a natural sources of water, a body of water surrounded by land is called a lake. This is a sea, it is a natural sources of water, it is partly surrounded by land. This is a well, it is a man-made sources of water, to collect this underground water wells are built. This is a hand pump, it is a man-made sources of water, rain water that falls on the earth seeps underground. Last is storage, this is a overhead tank, जहाँ पे हम पानी का स्टोरेज करते हैं। फिर ये है टैंक, ये हमारी घर पे होता है टैंक। क्या है, टैंक, दिस इज अ टैंक, जहाँ पे हम पानी का स्टोरेज करते हैं। तो ये सारे वाटर सोर्सेस थे और ये स्टोरेज था। तो आप सबको ये वाटर सोर्सेस एंड स्टोरेज वाला टॉपिक लर्न करना है। थैंक यू, बाय।